नमस्कार। सबसे पहले मैं यहाँ पे रेसिडेंट डॉक्टर हूँ, सेकेंड ईयर। हमारी लाइफ में अभी बहुत समस्या चल रही है। हम 1.5 साल से फर्स्ट ईयर बने हुए हैं, हमें जूनियर नहीं दिया जा रहा। कोविड की वजह से एग्ज़ाम ऑलरेडी लेट हुए थे। जो एग्ज़ाम जनवरी में होना था वो एग्ज़ाम सितंबर में हुए। उसके बाद रिजल्ट भी लेट आया और काउंसलिंग की डेट ऑलरेडी 2 बार टल चुकी है। इस वक्त हम 66% स्ट्रेंथ पे पूरा हॉस्पिटल चला रहे हैं। 66% आप समझते हैं, 2 बैच पूरे के पूरे अस्पताल को चला रहे हैं, जिसमें से हमारा सीनियर बैच 2-3 महीने में पास हो जाएगा, क्योंकि उनका 1 साल पूरा हो जाएगा। हमारे को बस तारीख पे तारीख दी जा रही है। हमें रेसिडेंट नहीं दिए जाएंगे तो हम काम कैसे करेंगे? हम ऑलरेडी एक शिफ्ट में 36 से लेकर 40 घंटे तक लगातार काम करते हैं, क्योंकि हमारे पास जूनियर्स नहीं हैं। हमारे पास हमारा वर्कलोड कम करने के लिए कोई भी नहीं है। इसके अलावा कोविड की तीसरी वेव कभी भी आ सकती है। कहते हैं डॉक्टर्स की कमी है। इस वक्त कम से कम 1,60,000 डॉक्टर्स घर पे बैठे हुए हैं, क्योंकि एग्ज़ाम होने के बाद उनको एडमिशन नहीं दिया जा रहा है। तो डॉक्टर्स की कमी है तो उन्हें एडमिशन क्यों नहीं दिया जा रहा है? इस चीज़ को जल्दी से जल्दी फास्ट ट्रैक में लेकर के जाया जाए। फास्ट ट्रैक में जल्दी, लगभग जितना पॉसिबल हो उतने जल्दी इस पर फैसला आए। और मीनवाइल हमें काम करने के लिए रेसिडेंट्स नॉन पीजी दिए जाएं, जो कि हमारे साथ हमारी ड्यूटी करे। ऐसे काम हमारे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारी स्थिति बहुत दयनीय हो चुकी है इस वक्त। हमारी मांगे यही हैं कि जल्दी से जल्दी इस मामले पे फैसला हो, सरकार की तरफ से कोई इस पे स्ट्रिक्ट कदम उठाया जाए, ताकि हमारे लिए थोड़ा सा रिलीव हो, क्योंकि हमारी मैक्सिमम स्ट्रेंथ चल रही है सर। इस वक्त हमारी हालत बहुत ज़्यादा बुरी है। एक वक्त पे एक डॉक्टर 36 घंटे लगातार काम करता है, क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं बच रहा है। तो हमारी मांगे यही हैं कि जल्दी से जल्दी इस पे फैसला आए। मीनवाइल हमें काम करने के लिए नॉन पीजी रेजिडेंस दिए जाएं, ताकि हमारा वर्कलोड थोड़ा सा कम हो सके। और हम ये शांतिपूर्ण मार्च इस वक्त निकाले हैं, ताकि हमारी बात सुनी जा सके। हम कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहते जिससे किसी पेशेंट का नुकसान हो। इस वक्त भी इमरजेंसी चल रही है। मेरा एक कलीग अभी इमरजेंसी में एक केस करा भी रहा है। हम किसी का भी नुकसान होना नहीं चाहते, पर अब हमारी भी एक लिमिट आ रही है, जिसके बियॉन्ड हम भी इंसान हैं, हमसे इसके बियॉन्ड अब काम नहीं हो पाएगा। हमारा बस यही संदेश है। मेरा नाम है डॉक्टर सौम्य श्रीवास्तव। बिठाना नहीं है। बैनर आगे रहने देना, बैनर आगे रहने वालों को आगे आने देना। बैनर पकड़ लो। ये फोटो दे दे। बाकी बाहर बन जाए पहले। यही प्रोक लीजिए। Thank you.